हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू पब्लिक विंडो। तो गाइज, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। DSSB PRT स्पेशल एजुकेशन कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर सभी तरीके का डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं और आपके लिए क्लियर कर दूँ। गाइज, सबसे ज़्यादा डाउट जो है रहता है यहाँ पर। गाइज, अभी भी लोग पेपर देकर आ चुके हैं, पर अभी भी जो है सबसे ज़्यादा डाउट है कि जो फाइनल कट ऑफ जो है कहाँ तक रहने वाली है, या मतलब किस तरीके से मेरिट बनेगी या बनती है। तो गाइज, अभी भी इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और जो है क्लियर नहीं है। तो गाइज, मैं यहाँ पर एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ये पोस्ट कोड है स्पेशल एजुकेटर का 32/21, आप यहाँ कॉर्नर में देख सकते हैं। और गाइज, ये जो है नोटिफिकेशन, ये DSSB स्पेशल एजुकेशन का है। और गाइज, जो पेपर हुआ था 200 नंबर का हुआ था, और इसमें जो पार्ट ए 100 नंबर का, पार्ट बी वो भी 100 नंबर का था। और गाइज, यहाँ पर जो है नीचे आप ये रेड रेक्टेंगल करके मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइनल जो कट ऑफ या मेरिट बनने वाली है वो जो बनेगी यहाँ पर, आप इसको पढ़िए। नोट, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शन ए एंड बी। तो गाइज, यहाँ पर जो है वो सेपरेट नहीं होने वाली है। तो गाइज, जो मार्क्स हैं आपके वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मार्क्स एक साथ मिलाने के बाद, मतलब एग्रीगेट मार्क्स के साथ ही बनने वाली है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये डाटा आप देख रहे हैं, ये है RTI का रिप्लाई 32/21 PRT स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो गाइज, यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जो RTI का रिप्लाई आया था, जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो गाइज यहाँ पर चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो सीट हैं वो 487 हैं, और जो टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं 6230 यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए हैं, और जो एवरेज बैठ रहा है एक सीट पर 13 कैंडिडेट। गाइज, अब चलते हैं OBC कैटेगरी पर। तो यहाँ पर जो सीट हैं वो 328 सीट हैं टोटल, और जो फॉर्म फिल किए गए हैं यहाँ पर 2701। और गाइज, यहाँ पर जो कंपटीशन है, 8 जो कैंडिडेट हैं वो एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ कर रहे हैं। SC जो कैटेगरी है उसके अंदर 164 सीटें दी गई हैं, और जो फॉर्म फिल किए गए हैं यहाँ पर 2355 फॉर्म यहाँ टोटल फिल किए गए हैं। और गाइज, यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो एक सीट पर 14 कैंडिडेट। गाइज, अब यहाँ पर ST कैटेगरी पर जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल सीट जो दी गई है ST कैटेगरी के लिए, यहाँ पर दी गई है 93, मतलब 93 यहाँ पर सीटें जो हैं ST कैटेगरी के हैं, और यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए हैं 363, और यहाँ कॉम्पिटिशन जो है एक सीट के लिए 4 का है। गाइज, अब चलते हैं EWS कैटेगरी, जहाँ पर इनके लिए जो सीटें दी गई हैं 5454 यहाँ पर सीटें दी गई हैं। गाइज, यहाँ पर जो फॉर्म फिल किए गए हैं टोटल 695 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं, और जो एक सीट के लिए कंपटीशन है यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो 13 कैंडिडेट एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो गाइज, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल कितनी सीटें दी गई थी। तो गाइज, यहाँ पर 1126 जो हैं टोटल सीटें हैं, सभी कैटेगरी की टोटल सीटें 1126 हैं। और गाइज, टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं यहाँ पर 12344 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं ओवरऑल। और गाइज, जो एक सीट पर ओवरऑल कॉम्पिटिशन जो बैठ रहा है यहाँ पर 10 कैंडिडेट यहाँ पर हैं। दोस्तों, PRT स्पेशल एजुकेशन की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इसको और डीपली से जानने के लिए हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं PSN की जो कट ऑफ है वो कितनी थी पिछली बार और अब इस बार कितनी गई है। तो गाइज़, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, आप इसको देख सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जूम करके थोड़ा सा। तो गाइज़, यहाँ पर आप देखिए कि 2018 में जो TGT स्पेशल एजुकेशन का और उसकी जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका पोस्ट कोड था 87/17। तो गाइज़, यहाँ पर आप इसको देखिए, जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर 80 गई थी, OBC की 70.75, मतलब 70.75 यहाँ पर OBC की कट ऑफ गई थी, और SC की 60 और ST की भी 60 गई थी। और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के अंदर वो जो कैटेगरी आती है वो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप की 60.25 और विजुअल हैंडीकैप की 63। तो गाइज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अब ये पेपर हुआ है 8 अगस्त में, और इसके जो पेपर की रिजल्ट और आंसर की आ चुकी है 29 अक्टूबर में। तो गाइज़, ये पेपर जो हुआ था 2021 के अंदर, और इसका जो पोस्ट कोड था 93/20। तो गाइज, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ जो कट ऑफ गई है EWS की, जो जितनी कैटेगरी EWS की जो जितनी पोस्ट थी वो सब जनरल के अंदर गई हैं, और जो जनरल की कट ऑफ गई है वो गई है 80.10, OBC की 70.15, SC की 60.20 और ST की 60.97, और फिजिकल हैंडीकैप और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप की 63.01, और फिजिकल हैंडीकैप और विजुअल हैंडीकैप की गई है 71.68। तो गाइज, यहाँ पर हमने इस चीज़ का एनालाइज कर लिया है कि जो कट ऑफ है पिछली बार जो कि 2018 से और 21 के बीच में कितनी बढ़ी है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं। तो गाइज, जो पिछली बार थी वो 80 थी, और इस बार जो जनरल की गई है 80.10, तो यहाँ पर पॉइंटों में जो है ये बढ़ी है। गाइज, हम यहाँ पर जरूर कह सकते हैं कि जो ये फिजिकल हैंडीकैप की जो कैटेगरी है यहाँ पर एकदम से थोड़ा सा जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ विजुअल हैंडीकैप की जो देखिए आप, यहाँ 63 है और यहाँ पर 71.68। अब चलते हैं हम अपने मेन PRT स्पेशल एजुकेशन की कट ऑफ, जिसके लिए वीडियो बनाई गई है।
तो गाइज यहाँ पर हम जो प्रीवियस पेपर हुआ है जो 2018 में हुआ था पीआरटी स्पेशल एजुकेशन का, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, जिसका पोस्ट कोड था 15/17। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी जो है मैंने डीएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये सारा डाटा लिया है, और गाइज आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितनी गई थी कट ऑफ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरी है जनरल की 80 गई थी, और यहाँ पर ओबीसी की 70 गई थी, एससी की 60 गई थी, गाइज यहाँ पर एसटी की भी 60 गई थी, और यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप है और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, तो ये जो दोनों कैटेगरी है इनकी यहाँ पर 60 और यहाँ पर 62 गई थी। और गाइज अब जो बात है यहाँ पर 2021 में जो ये अभी पेपर हुआ है 17 अक्टूबर का, जिसका कट ऑफ कितनी जाने वाली है इसका कुछ नहीं पता है अभी किसी को भी। गाइज इसका जो पोस्ट कोड है 32/21, तो गाइज इस चीज़ को भी यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गाइज अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर जो है लोगों ने कोई कह रहा है कि मतलब कट ऑफ मेरे 130 जाएगी, कोई कह रहा है कि मेरे 125 आए हैं तो 125 जाएगी, कोई कह रहा है कि 140 बैठ रहे हैं मेरे, तो कोई कुछ कह रहा है। यहाँ पर मैं आपको YouTube का एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ, जहाँ पर लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उन्होंने यहाँ पर कट ऑफ बनाई है। तो गाइज़ ये भी कोई एक YouTube चैनल है जिसके अकॉर्डिंग जनरल की जो कट ऑफ है वो 90 से 92 जाने वाली है, और EWS की 80 से 85, OBC की 75 से 78, और SC की 65 to 70, और ST की 60 to 65। तो गाइज़ और यहाँ पर दो तीन मैंने यहाँ पर जो है YouTube के रिव्यू लिए हैं, और यहाँ पर ये भी एक YouTube चैनल है इसकी जो कट ऑफ इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है 90 to 95, और 85 to 90, 88 to 93, 60 to 71। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो इन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन जो क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर 101 से 106, 90 to 90, 91 to 96, 95 to 100, 97 to, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हों की कट ऑफ। और गाइज अब और दो तीन मैंने देखे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूट्यूब में लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशन क्या दी है। तो जनरल की ये इनके अकॉर्डिंग है 125 से 130 जाने वाली है, ओबीसी की 120 से 123, और इस तरीके से इन्होंने सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन और कट ऑफ दी गई है। गाइज मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये इन्होंने इतनी हाई इसको पहुँचा दी है, जनरल की भी इतनी नहीं जा रही है, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की इन्होंने इतनी ज़्यादा कट ऑफ बना दी है। और अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये एक अन्य सर है इन्होंने के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की 90 to 92, और ओबीसी की 80 से 85, और 65 to 70, या एससी की एसटी की 60 to 65, और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप की 60, विजुअल हैंडीकैप की 60 to 60, 62, यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जाने वाली है। तो इस त्याग भाई के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाने वाली है इस बार की पीआरटी की स्पेशल एजुकेशन की, वो उनके अकॉर्डिंग जनरल की है 93 to 100 जाने वाली है, और ओबीसी की 87 से 95, एससी की 84 to 90, एसटी की 68 to 75, पीडब्ल्यूडी की जो इन्होंने बताई है मिनिमम 60, और ईडब्ल्यूएस की मिनिमम इन्होंने बताई है 80। तो गाइज इस तरीके से इन्हों का भी रिव्यू हमने यहाँ देख लिया है। और गाइज कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने अपने जो मार्क्स हैं सर आंसर सीट के अकॉर्डिंग मेरे 117 120 आ रहे हैं, जनरल से क्या होगा, मतलब ये अपने पूछ रहे हैं क्वेश्चन के इनके इतने नंबर बैठे हैं। और गाइज यहाँ पर ये एक और कैंडिडेट है, उन्होंने अपने बताया कि 138.75 इनके रो स्कोर जनरल कैटेगरी में ये चांस पूछ रहे हैं गाइज। और इस तरीके से यहाँ पर टेलीग्राम और इधर उधर सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों में से मैंने रिव्यू लिया है कि लोग क्या कह रहे हैं कट ऑफ को लेकर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं गाइज, जिस दिन ये पेपर हुआ था 17 और उसके अगले दिन 18 या 19 के आसपास लोगों का रिव्यू चल रहा था कि कितने वो मतलब कट ऑफ जा सकती है, तो उन्होंने यहाँ पर आकर सब बता रहे थे, क्योंकि पेपर जो आसान आया था उसके हिसाब से सब लोग बता रहे थे कि बहुत हाई जाएगी। तो यहाँ पर आप पोल को देख सकते हैं। और गाइज ये चीज़ जो है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये चीज़ जो है देखने वाली है कि जब आंसर की आई उसके बाद लोगों ने चेक करा, उसके बाद जो उनके मार्क्स बने हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 80 से 85 के बीच जो है वो 19% यहाँ पर लोगों के बैठ रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पर आप सभी के देख सकते हैं। इसका मतलब है कि मतलब आंसर की चेक करने के बाद लोगों के मार्क्स घट गए हैं। और दोस्तों अब बारी आती है हमारी कट ऑफ की। तो गाइज ये है हमारी कट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो गाइज इतना सारा हमने रिव्यू लिया इधर उधर से, और डिटेल में जाना पिछला क्या है वो सब। तो इस तरह से हम यहाँ पर कट ऑफ मिनिमम जो है वो यहाँ पर जनरल की हमारी कोडिंग है वो 80 से 85 जाने वाली है, और EWS की 75 से 80 के बीच में जाने वाली है, OBC की जो मिनिमम कट ऑफ है वो है 70 से 75, और SC की जो है 70 से 75, और ST की 65 to 70 जाने वाली है। अब गाइज यहाँ पर देख लेते हैं कि मैक्सिमम अगर कट ऑफ गई कितनी कितनी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है। तो गाइज यहाँ पर जनरल की जो है हमने बनाई है 85 to 90, इससे बाहर नहीं जाने वाली, और EWS की 80 से 85 जाने वाली है, और OBC की 75 से 80 के बीच में, और SC की 75 से 80 के बीच में, और ST की 70 से 75 के बीच में यहाँ पर जाने वाली है। तो गाइज ये सारा रिव्यू भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो एनालाइज किया था हमने GT की कट ऑफ को लेकर के कि कितना यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन बढ़ा है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। मैंने इसलिए वो सारी कट ऑफ को बनाया है क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ है वो कितनी बड़ी है, 75 पॉइंटों के अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, ज़रूर हुई है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कितनी कम रहने वाली है। और दोस्तों अब लास्ट जो क्वेश्चन बचता है दोस्तों कि रिजल्ट कब आने वाला है।
तो गाइस जो ये 32/21 पीआरटी स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट है वो आने वाला है लगभग 15 दिसंबर से 1-10 जनवरी के बीच में, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब टीजीटी का रिजल्ट जिसका पेपर 8 अगस्त को हुआ था और उसका रिजल्ट जो है 29 अक्टूबर को आया है, तो लगभग 2.5 महीना यहाँ पर लिया है इन्होंने रिजल्ट को देने में, तो लगभग 2-2.5 महीना ही हमारा लगभग लगने वाला है, तो गाइस स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सभी तरीके के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए पब्लिक विंडो यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको आने वाली सभी तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।